नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभ्यास। टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक का नाम क्या है? सर्वनाम अभ्यास। हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम से अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, उनमें उचित सर्वनाम लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। नेहा ने नेहा की किताब फाड़ दी। जवाब कैसे बनाएगा हम? नेहा ने उसकी किताब फाड़ दी। राकेश की माँ ने राकेश को राकेश की कमीज दी। राकेश की माँ ने उसको दी। राकेश की माँ ने उसको कमीज दी। संजय की माँ को संजय के साथ हुई घटना के बारे में बता रहा था। संजय अपनी माँ को उसके साथ हुई घटना के बारे में बता रहा है। यहाँ पे माँ शब्द रह गया था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। संजय अपनी माँ को उसके साथ हुई घटना के बारे में बता रहा है। उस पानी में कुछ छुपा है। उस पानी में कुछ छुपा है। यहाँ पर पानी में कुछ छुपा है। उस पानी में कुछ छुपा है। अब हम देखेंगे ख। दाल में कुछ गिरा है। दाल में कोई की बजाय क्या आएगा यहाँ पे? कुछ। दाल में कुछ गिरा है। जिस सोएगा उस खोएगा। जो सोएगा वो खोएगा। जो सोएगा वो खोएगा। तुम कौन काम करोगे? तुम कौन सा काम करोगे? अभी हम देखेंगे सही विकल्प हमें चुनना है। थैले में कुछ है। रेखांकित सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है? यहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह चला गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो खेलेगा वह इनाम लेगा। यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? सर्वनाम क्रिया के स्थान पर आता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। देखो यहाँ पर सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग होने शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग होने शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप, आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये इससे क्या है? छह भेद है। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। निश्चय और अनिश्चयवाचक में अंतर बताइए। निश्चित वस्तु के बारे में जो कहा जाता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं, और अनिश्चित वस्तु के बारे में कहा जाता है उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आप घूमने चलोगे? यहाँ पर क्या आप घूमने चलोगे? छत पर कोई कौन सो रहा है? छत पर कौन सो रहा है? कोई चिल्ला रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता।
नीचे लिखे वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम की जगह उसका शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर अशुद्ध रूप कौन सा है? मैंने। हमें क्या करना है? उसका शुद्ध रूप बनाना है। मैंने आज खेलना नहीं है, तो मैंने की जगह यह अशुद्ध है, तो हम शुद्ध रूप क्या लिखेंगे? मुझे आज खेलना नहीं है। दूध में कौन गिर गया है? यहाँ पर अशुद्ध शब्द है कौन। हमें क्या करना है? उसका शुद्ध शब्द बनाना है। दूध में क्या गिर गया है? तुम कौन से मदद मांग रहे हो? यहाँ पर कौन से शब्द है? तुम किससे मदद मांग रहे हो? दरवाजे पर कुछ आया है, कुछ के बजाय क्या आएगा? दरवाजे पर कोई आया है। आगे कोष्टक में दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान भरिए। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः छह भेद होते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अनिश्चित का बोध अनिश्चयवाचक क्या करते हैं? जो जैसा जिसका उसका वैसा क्या होता है? संबंध वाचक सर्वनाम। यहाँ पर संज्ञा छह, पुरुषवाचक और नीचे कौन से हैं? अनिश्चयवाचक और संबंध वाचक। सही कथनों के आगे सही तथा गलत कथनों के आगे गलत चिन्ह का प्रयोग कीजिए। वह बहुत होशियार है, इस वाक्य में बहुत शब्द सर्वनाम है, ये क्या है? गलत है। यहाँ पर हम लोगों ने ये किया हुआ, ये क्या है? गलत है। गलत शब्द कौन सा है? बहुत शब्द उन्होंने सर्वनाम दिया है, वो क्या है? गलत है। जिसका शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, यह क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? गलत है। किसका शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सही है। तो तुम आप आदि को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, सही है। सर्वनाम के मुख्यतः आठ भेद हैं, ये क्या है? गलत है। ये गलत है। संज्ञा और विशेषण के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा और विशेषण के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। यह किसका घर है? यह गांव अच्छा है। उसे आज बहुत देर हो गई, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। हम सब एक हैं, जैसे जैसे बिजली चमकी वैसे वैसे बारिश गिरने लगी। सर्वनाम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। यहाँ पर मैं, हम, स्वयं, कुछ, जो, कौन। यहाँ पर नंबर से हम लोगों ने क्या किया है? मिलान किया है। पहले का क्या है? चार है। दूसरे का एक, तीसरे का पाँच, दो और तीन। आपको क्या करना है? देखना है कौन कौन से शब्द वहाँ पर दिए गए हुए हैं।